हेलो नमस्कार। यदि आप एनडीए के बारे में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या एनडीए करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एनडीए के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा कि एनडीए के लायक हम हैं या नहीं, उसकी कितनी हाइट होती है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, इसके सिलेबस क्या है। इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके पहले नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद तैयारी करना प्रारंभ करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो नमस्ते, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनडीए में जो पूछा जाता है, जैसे एनडीए में गणित पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान में तीन विज्ञान आते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये पूछा जाता है। और अंत में आता है इसके बाद सामान्य ज्ञान जो जीके होता है। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, ये सब पूछा जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणित में जो 30 अध्याय है, 30 अध्याय में सबसे ज्यादा किस अध्याय से पूछा जाता है। इंग्लिश में जो 8 अध्याय है उसमें सबसे अधिक किस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में जो भौतिक, रसायन, जीव है उसमें सबसे अधिक किस अध्याय से पूछे जाएंगे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हम आपको बता देते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा पूछा गया था। पहला सब्जेक्ट लेते हैं गणित। गणित में 30 अध्याय है। चलिए हम आपको पहले 2016 का रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि 2016 में गणित के 30 अध्याय में सबसे ज्यादा कहां से पूछे गए थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं चित्र में, समुच्चय सिद्धांत से 1 प्रश्न पूछे गए थे, संबंध फलन से 8, समिश संख्या से 7, तो ये देख सकते हैं आप। और 2015 की बात करें तो समुच्चय सिद्धांत से 2 पूछे गए थे और 2015 के सेकंड में 3 पूछे गए थे और 2014 के सेकंड में 8 पूछे गए थे। इस तरह से आप पूरी सारणी को पहले मिला लीजिए कि किसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार हम आपको वीडियो बनाकर देंगे कि किसमें हम ज्यादा फोकस करें ताकि अच्छे से निकल सके। इसका मैं पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने मोबाइल पर भी रीड कर सकते हैं कि किस अध्याय से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। 2016 में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं समकोणकार्तीय निर्देशांक एवं सरल रेखा से और प्रायिकता से। बात करें और 2015 में सबसे ज्यादा प्रायिकता से पूछे गए हैं। 2015 के सेकंड में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आपके समकोणकार्तीय से और सीमा सतर्कता अवकलन से और साथ में प्रायिकता से। तो मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रायिकता से पूछे जा रहे हैं। तो ये रहे गणित के लिए जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा किस अध्याय से पूछा जाएगा, उसके लिए हम बताना प्रारंभ करते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 8 अध्याय है। इस 8 अध्याय का आप रिपोर्ट देख लीजिए कि किसमें सबसे ज्यादा पूछे गए थे। 2016 की अपेक्षा अगर बात करें तो यहाँ पे सिनोनिम्स, एनोनिम्स, इससे 10-10 प्रश्न, 11-11 प्रश्न बार बार पूछे गए थे। 2015 की अपेक्षा में सेंटेंस इंपरेटिव ये पूछे गए थे। साथ में 2015 के फर्स्ट में अगर बात करें तो इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे गए थे। 2014 में पूछे तो उसमें ज्यादातर सिनोनिम्स, एनोनिम्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट से पूछे गए थे। ये आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है हमारा सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले उठाते हैं सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में 11 टोटल 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय में देखिए सबसे ज्यादा कहां से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए मापन व यांत्रिकी से। 2015 के सेकंड में पूछे गए 6 प्रश्न। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा डिटेल से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने इसका पीडीएफ दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान में 11 महत्वपूर्ण आपको अध्याय मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे गए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए अधातुएं एवं उनके यौगिक से, इससे हर साल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में 10 अध्याय आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो है सजीव जगत में विविधता से, साथ में पादक कारिकी एवं जनन से, इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये रहे आपके सामान्य विज्ञान। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में भी हम आपको बता देते हैं कि सामान्य ज्ञान में सबसे ज्यादा कहां से पूछे जा रहे हैं।
सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं इतिहास में 9 प्रश्न पूछे गए थे 2016 की अपेक्षा में, 2015 में 12 पूछे गए थे, 2015 के फर्स्ट में 13 पूछे गए थे। लेकिन भूगोल से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन रहे हैं। जैसे 2016 के फर्स्ट में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 2015 के सेकंड में 19 पूछे गए हैं। तो ये डिटेल्स आप अपने मोबाइल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मैंने दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसके अनुसार मैं आपकी वीडियो ज़्यादातर बनाऊंगा कि किस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।